ये है यहाँ के पकौड़े, ये आलू वाले पकौड़े हैं, और ये यहाँ के अंडे हैं। ये चेक करें आप। चाचा किलो कितने का है? चाचा जी शामिल एबटाबाद में इलियासी मस्जिद के साथ खड़ा हूँ। ये एबटाबाद की एक बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, मतलब बाकी शहरों के जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर ज़रूर आते हैं। यहाँ के जो है ना ट्रैक करते हैं, एक तारीखी मस्जिद है, मस्जिद की तारीख आते हैं, मस्जिद का आर्किटेक्ट देते हैं, अंदर जाके एक पानी है अब वो देखते हैं। इसके अलावा ये पहाड़ जो है पीछे आपको बैकग्राउंड में थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, ऊपर एक पहाड़ है वो ट्रैक करते हैं। वहाँ से नीचे उतर कर जो सबसे पहला काम करते हैं यहाँ पर लोग, वो पकोड़े खाते हैं। यहाँ के पकोड़े बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, लोकल्स जो हैं वो वीकेंड पर यहाँ पर, जैसे आप जुम्मे का दिन है, बहुत सारी आवाम यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। इसके अलावा टूरिस्ट भी जुम्मे के दिन यहाँ पर आकर, टूरिस्ट तो खैर वैसे ज़्यादातर वीकेंड्स पर ही आते हैं, लोकल ज़्यादातर वीकेंड्स पर आकर यहाँ के पकौड़े बहुत ज़्यादा खाते हैं। यहाँ पर पकौड़ों की एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारी दुकानें हैं और डिफरेंट किस्म के पकौड़े यहाँ पर बनते हैं। जो अभी हम ज़रा जाते हैं पकौड़े आपको दिखाते हैं, क्योंकि उस साइड पर काफ़ी रश है, इस साइड पर हम वीडियो रिकॉर्ड करें, वहाँ के जाके दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर इतनी सारी दुकानें हैं, वहाँ से शुरू हो रही हैं और यहाँ तक, सबसे पहले हम जिस पर रश कम नहीं होगा उधर के पकौड़े देखते हैं। क्या बेच रहे हैं? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ताज़ा पकौड़े बार बार आएगा। ये है यहाँ के पकौड़े, ये आलू वाले पकौड़े हैं, और ये यहाँ के अंडे हैं। ये समोसे इनके बेच रहे हैं, और ये प्याज वाले पकौड़े हैं, और ये देखें इनकी इतनी बड़ी बड़ी जो है ना वो लगे हुई हैं, इतने बड़े अमाउंट में ये साथ साथ बनते जा रहे हैं। ये देखें ये आ गई हैं, और इसके अलावा वो बन रही हैं ताज़ा ताज़ा पकौड़े। और इसके अलावा आप चेक कर सकते हैं पूरा कितना बड़ा टैंकर रखा हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जिस तरह आपको नज़र आ रहा है जितनी अमाउंट में ये बनती जा रही हैं, इतनी ज़्यादा इनकी डिमांड है। पीछे आप लोग चेक कर सकें ना, इतनी सारी आवाम वो देख रहे हैं पीछे बैठे हैं। हाँ देखो जी, ये चाचा अंडे बन रहे हैं, अंडे बन रहे हैं। तो अभी ज़रा आगे जाके और दिखाते हैं कि और के पकौड़े की दुकानें यहाँ पर बहुत सारी हैं, और पीछे आपको इस साइड पे आवाम नज़र आ रही होगी, काफ़ी सारी आवाम यहाँ पर बैठी होती है, और सिर्फ ये पकौड़े खाने के लिए आते हैं, और टूरिस्ट भी होते हैं, लोकल्स भी हैं। सर आप दूसरे पकौड़े की दुकान की तरफ हमारे ये चेक करें आप। चाचा किलो कितने का है? 280। सबका 280। अच्छा, और अंडा कितने का होता है? अंडा 25 का एक, और समोसा 15 का समोसा। तो जिस तरह से आपने देखा डिफरेंट रेट से यहाँ पर 280 रुपये पकौड़ों का किलो होता है, और अंडा जो है ना 25 रुपये का आपको मिलता है, इसके अलावा जो है ना समोसा आपको 15 रुपये का मिलता है। अभी ज़रा जाते हैं जो तीसरी जो दुकान है पकौड़ों की, चल जाते हैं, इनकी मेकिंग आपको दिखा रहे हैं। ये देखें इतने ज़्यादा तादाद में ये अभी बन रहे हैं, और साथ में ये भी चेक कर रहे हैं, और ये नॉन स्टॉप ऐसे बन जा रहे हैं, और यहाँ से ऑर्डर आते जा रहे हैं, वहाँ पे लोग आते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, और ये नॉन स्टॉप है, यही प्रोसेस चलता रहता है। सिर्फ इसी एक दुकान का नहीं, बल्कि यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं, ये पकौड़ों की जितनी भी शॉप्स हैं बहुत सारी हैं, सब पे ये प्रोसेस चलता रहता है। अभी ज़रा हम तीसरा दुकान जो है ना आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम अपना ऑर्डर देंगे, फिर आपको टेस्ट करके बताएंगे कितने प्यारे। लेकिन खैर टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, हमने बहुत ज़्यादा ट्राई किए हैं, हम तो बहुत ज़्यादा आते हैं, जैसे आज आया हूँ, लेकिन आपको दिखाते हैं कि ये देखें और ये देख करें कितनी ज़्यादा अमाउंट में ये बन रही है। ताकि चाचा जो चाचा के सामने ये कितने बड़े अमाउंट में आलू पड़े हुए हैं, और इससे ज़्यादा अमाउंट में ये आप चेक कर सकते हैं, इधर बंद भी है। चाचा सुनाए कितने का किलो दे रहे हैं, कितने का किलो दे रहे हैं? और अंडा और समोसा और रोल 10 का। तो ये आप चेक करेंगे, 280 के हर जगह पे पकौड़े हैं ये बन रहे हैं। अभी हम जाके शेख साहब कहाँ से ऑर्डर करें आप बताएं? देखिए मेरे ख्याल में तो ये वाले सबसे पुराने लग रहे हैं ना, ये वाले ऑर्डर करें। चलें सर अभी हम जाके यहाँ से ऑर्डर करते हैं, इस वाले का। किलो मिक्स कर लें, ये बेच करो, एक किलो मिक्स, एक किलो मिक्स करके दे दें भाई को, गरम पकौड़े दो। हाँ
गरम पकोड़े, गरम पकोड़े, ये देखिए गरम पकोड़े, ये प्याज वाले आ गए यहाँ देख, और आलू वाले देखिए गरम गरम आ रहे हैं। चाचा जो लोग देख रहे हैं उनको कुछ बोले, जो लोग देख रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, लोग आप बहुत ज्यादा मनो के हिसाब कितने मन बेचते हो? यासी में पकौड़ा ही पकौड़ा है और क्या है यार, ये देखे हमारा 1 किलो पकौड़ा और इतना रश है 280। और अभी देखे हम यहाँ पर आके चाचा जिस तरह बता रहे, देखिए यहाँ पर जो किलो है ना 200 रुपए किलो है, लेकिन यहाँ पर जो है इतनी ज़्यादा वाम होती है स्पेशली वीकेंड्स पर, कल ज़्यादा वामों के टूरिस्ट ज़्यादा कल पहुँचेंगे, क्योंकि यहाँ पे लाइंस लगी होती हैं। अभी तो असर हुई है सिर्फ, शाम तक यहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं। अभी बैठने वाली जगह पर चलते हैं, तो वहाँ पर दिखाते हैं जो जगह बैठने वाली जगह, ये चेक, ये यहाँ पर बैठने की जगह है, और माशाल्लाह से वो देखें वहाँ से लोग बैठे हुए हैं पकौड़े खा रहे हैं और यहाँ तक हम ऐसी जगह में बैठेंगे जहाँ पे हमें चाय मिले। किधर बैठे हैं? इधर ही चलें सर, ये हमारे पकौड़े आ गए और इधर बैठ के हम खाएंगे। और ये जो सामने आपको नज़र आ रही है, यह इलियासी मस्जिद, इलियासी मस्जिद की व्यू आती है आपको, और इसके अलावा वहाँ पर होटल भी, आप चाय भी ऑर्डर कर सकते हैं, और डिफरेंट पकौड़े की शॉप्स है, आप पे डिपेंड करता है किससे ऑर्डर करते हैं, कौन से वाले से आप चाहते हैं, डिफरेंट टेस्ट होते हैं यहाँ पे। तो अभी हम ये पकौड़े खाएंगे साथ में चाय का ऑर्डर देंगे। तो उम्मीद है आपको इलियासी मस्जिद के पकौड़े जो है उसका ब्लॉग पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आ गया मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मिलते हैं तब तक एक नए एपिसोड के साथ।